तो अभी हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है भाई, ये शेप ही है, लेकिन इसको हमारे सेल ने बना के इन्होंने पहले से दे दिया है कि मुख्तलिफ स्टाइल में आपको टेक्स्ट बॉक्स दे दिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है बेसिकली ये हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसफर करना होता है, उसके लिए हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। तो यहाँ पर जो बने बनाए फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स हमें मिलते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन स्टाइल ये हैं, और अगर नीचे देखेंगे तो और भी स्टाइल्स आ रहे हैं। अब इनमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है टेक्स्ट बॉक्स का, आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम टेक्स्ट लिख के कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं शेप के साथ। इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स में से जो टेक्स्ट बॉक्स नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी का टाइप कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल तो हमें यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे ना। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये देखें ये बन गया टेक्स्ट बॉक्स। अब इसके अंदर जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, और ये इस तरीके से आपका एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ क्लिक करें, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का आपका काम हो सकता है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इनमें कुछ अच्छे डिजाइन भी हैं जो बने बनाए आप यूज कर सकते हैं। जैसे राइट टेक्स्ट बॉक्स है, ये पूरा राइट बार है, इसके अंदर आप एडिट करके आप अपने हिसाब से इसको जो ऐसा चाहें चेंज कर सकते हैं। इस तरह इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और इसका हमारे पास ये वाला भी स्टाइल है जिसमें हम इसके ऊपर जाके कुछ ना कुछ टेक्स्ट डाल के टिक करके इस तरह से बनाकर यूज कर सकते हैं। अब रहे इसके अंदर कलर फॉर्मेट की बात, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से शेप फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बने बनाए काफी स्टाइल्स हैं, किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको भी कोई स्टाइल हम दे सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले शेप में सीखा था। तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक शेप ही है, लेकिन शेप के अंदर बने बनाए टेक्स्ट और फॉर्मेट और स्टाइल दिया हुआ है, जिसको आप इजीली यूज करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आता है हमारे पास ये है हमारे पास एक न्यूज़लेटर एड्रेस ब्लॉक। ये किस लिए इस्तेमाल होगा, ये जस्ट लाइक एक इस तरह का काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के कोई भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन ऐड करा दिया और उसके बाद उसको फर्दर कभी भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसमें से ले सकते हैं। जैसे कि आप इसमें कुछ एब्रीवेशन से स्टोर करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू अल हुसैनी, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाउन, ठीक है। अब ये हमने एक बना लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि ये हमने स्टैम्प कर लिया और इसको हमने ब्रेक पॉइंट्स करके इस तरह बना के इसको होम किया, और यहां से इसको हमने सेंटर करके फॉन्ट साइज को थोड़ा इंप्रूव किया, और इसका जो फॉन्ट है इसको थोड़ा बोल्ड करके इटैलिक करके, और इसमें से जो फॉन्ट के स्पेसिंग्स हैं उसको हमने यहां से रिमूव कर दिया, वन स्पेस पर रख लिया, और पेज लेआउट में जाके इसको भी यहां से रिमूव कर दिया, और इसको मैंने जाके इंसर्ट में जाके यहां से ऐड करा दिया। कैसे ऐड कराने का तरीका ये है, ऑटो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट्री सेफ सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, और इसका नाम मैंने न्यू लसैनी रख के ओके कर दिया। अब मैं किसी भी इसको भले डिलीट कर दूं, और मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में कभी भी, मतलब सिर्फ इसमें नहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में, और कभी भी मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है जो मैंने अभी बनाई थी, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे क्लिक करूंगा और वो मुझे वहां पे अवेल कर देगा, सेव हो गया डायरेक्टली, ठीक है। अब जब चाहिए आपको यहाँ बना बनाया ये मिल जाएगा, इस तरह मैंने पहले से भी बना के रखा हुआ है इसका, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें जो बार बार यूज कर रहे होते हैं इस पे हम पहले से बना के सेव कर सकते हैं, और सेव करके जब गैलरी में सेव कर देंगे तो बार बार यूज कर सकते हैं। पहले बना लें, फिर उसको सिलेक्ट कर लें, फिर चले जाएं आप इंसर्ट में, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे लिखा रहा है सेव सिलेक्शन टू गैलरी, यहाँ पे इसका एक नाम रखें और उसको ओके कर दें, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। अब वर्ड आर्ट क्या होता है, एक नॉर्मली टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको तो नॉर्मल टेक्स्ट है, वर्ड आर्ट यानी कि टेक्स्ट के अंदर कुछ आर्ट पैदा करना। अब किस तरह का आर्ट आप पैदा कर सकते हैं, तो ये देखिए हम इसमें डिफरेंट किस्म के आर्ट पैदा कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं होम में, और यहाँ से चले जाते हैं, इसको अन कर देते हैं और इंसर्ट में जाते हैं। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट से हटके थोड़े आर्टिस्टिक आर्ट टाइप के जो वर्ड है वो हम यहाँ से लिखते हैं, क्लिक करेंगे इसमें, तो ये एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट आ गया। अब जो भी टाइप करना है इसके अंदर लिख लेते हैं, सपोज टू बी हम यहाँ पे वही टाइप कर लेते हैं, जैसे न्यू अल हुसैनी लिख लिया हमने यहाँ पे,
ठीक है, अब लिखने के बाद हमने क्या किया कि एक वर्ड आर्ट बना लिया। अब इस वर्ड आर्ट के डुप्लीकेट कैसे हो, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी करके, ये इसका एक और डुप्लीकेट ले लिया मैंने और इसको उठा के इसके नीचे रख लिया। अब खाली वर्ड आर्ट ये तो नॉर्मल टेक्स्ट था सर, टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया, नहीं इसके अंदर थोड़ा फर्क है। हम यहाँ पे थोड़ा इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे एरियल ब्लैक या एरियल कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद शेप फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन वर्ड आर्ट स्टाइल्स का। अब वर्ड आर्ट स्टाइल्स में हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी कलर है और इसका आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और आउटलाइन कितनी मोटी रखनी हो यहाँ से भी डिसाइड किया जा सकता है, जैसा आप दिखाना चाहें वैसा दिखा सकते हैं। अब उसके बाद ये तो हो गया इसका सिंपल से ऑप्शन, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इसका शेड भी दे सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के शेड्स हैं, ये देखें शेड यानी कि जैसे साइड से निकला हुआ ना टेक्स्ट ऐसा शेड, या फिर इस साइड का टेक्स्ट का शेड, या इधर नीचे शेड या ऊपर शेड, ये जिस तरह दिखाया हुआ वैसा ही शेड आप इस पर इजिली दे सकते हैं। इस तरह का शेड भी दे सकते हैं, और भी शेड्स हैं ये, इस तरह के शेड भी दे सकते हैं, इस तरह का शेड भी दे सकते हैं, इस तरह का शेड भी दे सकते हैं, ये हमारे इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी हम इस पर दे देते हैं सपोज टू बी इस तरह का शेड। शेड के अलावा हमारे पास इस पर जो अगला ऑप्शन है वो है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह का रिफ्लेक्शन टेक्स्ट के साथ, इस तरह का रिफ्लेक्शन, ये वाला रिफ्लेक्शन, ये डिफरेंट स्टाइल यानी कि बताया हुआ है कि ऐसा लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन इसके साथ क्रिएट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन के साथ अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्लू, तो फिर इसके साइड ग्लू भी इफेक्ट डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, किस तरह का ग्लो करें, ये देखें कितने खूबसूरत टेक्स्ट क्रिएट हो जाते हैं फिर अगर ग्लो देने के बाद। उसके बाद ग्लू के बाद आप यहाँ पे आ जाए नीचे, फिर बिवेल है जिससे इसके अंदर कुछ डिजाइन ऐड हो जाएंगे, यानी कि इनके साइड्स और एजेस पे कुछ कलर्स वगैरह और कुछ इस तरह का स्टाइल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा इस पर अप्लाई हो जाएगा। ज़रा फॉन्ट हमारा थिन है इसलिए इस पर ज़्यादा पता नहीं चल रहा, तो इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर एरियल ब्लैक का फॉन्ट लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा थिक फॉन्ट हो जाएगा। तो ये देखिए एरियल ब्लैक से ये देखिए थिक हो गया और अब आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। सेलेक्ट करके अब यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद बीवेल के बाद 3D रोटेशंस हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाद में, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जैसे ये टेक्स्ट नजर आ रहे हैं हम उनको वैसा बना सकते हैं, जैसे मैं इसको गोल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये इस तरह से इसको गोल कर देगा, ठीक है। अब गोल होने के बाद ये अजीब गरीब क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर इतनी सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर दी है, वो चीज़ें पहले खत्म करनी होंगी इसके ऊपर से, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके शेडो को खत्म करेंगे पहले नो शेडो, और फिर यहाँ से क्लिक करके हम इसके पीछे रिफ्लेक्शन को खत्म करेंगे नो रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ क्लिक करके ग्लो को खत्म करेंगे नो ग्लो, और यहाँ से क्लिक करके हम इस पर से बीवेल भी खत्म करेंगे, तो ये बीवेल खत्म हो गया और ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब ये देखिए हमने इसको यहाँ से बीच से पकड़ के इसे गोल कर दिया, ये गोल हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे फॉर्म में और यहाँ पे जाके अपना फॉन्ट थोड़ा सा थिन ले लें ताकि ये आपको इस तरह से नजर आने लगे। बोल्ड पे से चेक हटा दें, यहाँ पे जो उसकी आउटलाइन का कलर है और जो फॉन्ट का कलर है दोनों एक ही कर दें ताकि ये थोड़ा सा और थिक और थिन नजर आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आउटलाइन से ज्यादा मोटा हो रहा है तो इसके आप आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर दें, तो ये देखें ये आपको ऐसा नजर आएगा। अब फॉन्ट थोड़ा सा अगर आपको मोटा करना है तो यहाँ से जाके एरियल ब्लैक फॉन्ट लगा दें, फिर ये आपको ऐसा मोटा मोटा सा नजर आने लग जाएगा। अगर ये लग रहा है आपको कि जैसे थोड़ा ये एक साइड से कम ज्यादा है, तो ये येलो पॉइंट इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरीके से थोड़ा छोटा कर दें तो ये ऐसा नजर आएगा, और इस येलो पॉइंट को खींच के बड़ा करेंगे तो फिर ये आपको इस तरह से भी नजर आएगा, ठीक है। ट्रैक्स बॉक्स को जो इसका ये जो कैनवेस है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये कैनवेस बड़ा हो जाएगा, और इसको येलो पॉइंट को हम थोड़ा सा कम करेंगे तो ये फिर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से राउंड टेक्स बन सकते हैं। अब इसमें एक मसला ये आएगा, आप जब क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में ऐसे सीधा नजर आएगा, ताकि आप इसमें कोई भी टेक्स वगैरह की चेंजेस करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे राउंड नजर आएगा। अब जैसे ये राउंड नजर आ रहा है, इसको कोई और स्टाइल देना चाह रहे हैं नीचे वाले को, हम इसको चाह रहे हैं ये बिल्कुल गोल नजर आए, तो गोल कैसे करेंगे इसको, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फिर शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये सर्किल सर्किल एक ये वाला सर्किल है और दूसरा एक ये वाला सर्किल है। इस सर्किल को कंप्लीट सर्किल करने के लिए यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से पूरा सर्किल गोल कर देंगे, तो ये देखिए आपको गोल नजर आएगा। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसके अंदर। हाँ से यहाँ से वहां से कर लें, यहाँ से कर लें, ठीक है बात है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लें। अब इसको कोई और स्टाइल देना चाह रहे हैं आप, तो इसके लिए कोई और स्टाइल के लिए हम इसको उठा के पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और इसको स्टाइल देने के लिए हम पहले जाएंगे यहाँ पर और क्लिक करेंगे यहाँ से, इसके बाद ट्रांसफॉर्म पे, और यहाँ से हम इसके स्टाइल को ये वाला स्टाइल या फिर ये वाला स्टाइल या फिर ये वाला स्टाइल या फिर ये इनमें से कोई एक स्टाइल जो आपको अच्छा लगे वो इस पर भी आप लगा सकते हैं, और आपका टेक्स्ट उसी तरीके से होता हुआ नजर आएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को आर्टिस्टिक स्टाइल दे सकते हैं, और यहाँ से फिर कलर स्कीम से भी आप बेहतरीन कलर की किस्म इसके कलर दे के इसको और अच्छा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप इसको वर्ड आर्ट से कर सकते हैं, और वर्ड आर्ट में पहले आपने कहाँ से जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट लेंगे
और बनाने के बाद फिर आप उसके ऊपर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।